ये वीडियो एंटरप्रेन्योर करियर शाला सीरीज का हिस्सा है जो अलोहोमोरा एजुकेशन फाउंडेशन और यूनिसेफ के इनिशिएटिव युवा के कोलैबोरेशन से बनाई गई है। इस सीरीज में आपको अलग अलग करियर सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप को समझने का मौका मिलेगा। कुछ नया शुरू करेंगे तो लोग एकदम से तो भरोसा नहीं करेंगे। अपना आइडिया लोगों को समझाने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं, आइए जानते हैं मिस नेहा अरोड़ा, फाउंडर ऑफ प्लैनेट एबल से, जिन्होंने ट्रैवल और एडवेंचर को सभी दिव्यांग लोगों के लिए सरल बनाया। सो शुरुआत कहाँ से होती है? कहते हैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल्स से, एक कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स की, यू गो गेट बैक टू द बेसिक्स। सो अगर जैसे मुझे कहीं पे किसी को लेके जाना है तो पहले मैं वहाँ खुद जाऊंगी, देखूंगी कि वहाँ क्या एक्सेसिबल है या नहीं है, ठीक है, और हर डिसेबिलिटी के लिए देखूंगी, क्योंकि हर डिसेबिलिटी के लिए एक्सेसिबिलिटी का मतलब अलग होता है कि व्हीलचेयर यूजर के लिए रैंप होता है या टॉयलेट होता है, ब्लाइंड के लिए क्या एक्सेसिबिलिटी होती है, डेफ के लिए क्या एक्सेसिबिलिटी होती है, और सेरेब्रल पॉल्सी या डाउन सिंड्रोम के लिए क्या एक्सेसिबिलिटी है, पीपल विद ऑटिज्म के लिए क्या, तो वहाँ क्या है बेसिकली, पहले ये एनालाइज करना और उसके बाद कैसे उसको एक्सेसिबल बनाना है इन द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन दैट डेस्टिनेशन। क्योंकि आपके पास एज अ बूटस्ट्रैप एंटरप्रेन्योर आपके पास इतना सरप्लस पैसा भी नहीं है ना, और कि आप उसको जाके परमानेंटली चेंज कर दो, प्लस आपके पास अथॉरिटी नहीं है क्योंकि आप गवर्नमेंट नहीं हो जो जाके मॉन्यूमेंट को चेंज कर सको, तो आपके पास अथॉरिटी भी नहीं है। तो वहां जाके कैसे करना है, क्या स्पेशल परमिशन चाहिए होगा या क्या से टेम्परेरी रैंप चाहिए होगा या क्या चाहिए होगा, उस जगह को क्या सूट करता है, वो सोल्यूशन निकाल के कि यहाँ यहाँ ये चलेगा और यहाँ पे ये रिसोर्सेज हैं, फिर उसके बाद उसको ओपन करा पब्लिक के लिए, उससे पहले नहीं। सो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इन टाइम एंड मनी फॉर प्लैनेटेबल हैज बीन इन डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, विच इज दिस कि गोइंग देयर डेवलपिंग दैट, एंड ये भी नहीं है, दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टफ। इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ रिसोर्सेज, जैसे लोगों को ये नहीं पता होता कि सही तरीके से ट्रैवलर्स विद डिसेबिलिटी से बिहेव कैसे करें, कौन से शब्द लाइक सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, कि विच लैंग्वेज टू यूज, बॉडी लैंग्वेज क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या शब्द सही है कहना, क्या नहीं है सही कहना, कैसे हैंडल करना है या असिस्ट करना है, किसी को नहीं पता। और एक बैड एक्सपीरियंस है, एक बैड वर्ड, लाइक थैंकफुली मेरे को जिंदगी में काफ़ी बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो मुझे पता है कि क्या हो सकता है। सो यू बेसिकली प्रिपेयर दिस इकोसिस्टम फॉर एवरीथिंग बैड दैट माइट हैपन। कहते हैं ना रिस्क मिटिगेशन, इट्स लाइक जो हम बिजनेस टर्म्स में यूज करते हैं रिस्क मिटिगेशन, की रिस्क को कोई चीज नेगेटिव होने से पहले ही उसके लिए तैयारी कर लेना। क्या आपकी कोई बात ऐसी है जो आपके पेरेंट्स या दोस्तों को नहीं पसंद? एक पैराग्राफ में लिखिए कि आप उन्हें अपना नजरिया कैसे समझाएंगे जिससे उन्हें बुरा ना लगे। अपना घर का चैलेंज पूरा करके हमें task@alohomora.org पर ईमेल करें। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप हमारे चैनल फेसबुक, इंस्टाग्राम और YouTube पर फॉलो करें और नई नई चीजें सीखते रहें। ऑल द बेस्ट।